दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबास्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है।
फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर, अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफी जबरदस्त है और काफी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने
खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर, अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर
देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है।
तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेज़न प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है।
जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में,
26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर।
दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तप्पू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहली का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म
200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहनी ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपए में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर, अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तप्पू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना
साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर, अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है,
लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है, आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है
और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी,
सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है
और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफी जबरदस्त है और काफी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है।
दोस्तों फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तप्पू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहली का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा
क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में ये फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर, अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तप्पू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था,
लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर, अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की
जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर
देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर,
शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं
फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहली का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो
उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहली का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर
51 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर, अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं।
आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर, अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तप्पू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजोन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है
और आप इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफी जबरदस्त है और काफी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप जरूर से जरूर टेलीविजन के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ
अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर ये फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर ये फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल,
अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में इन्जॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहनी का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है, जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों, फना मूवी आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की मच अवेटेड मूवी फना को हिंदी भाषा में
YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फना मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करें इस मूवी के बारे में, 26 मई 2006 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी फना। इस मूवी को डायरेक्ट किया है कुणाल कोहली ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो आमिर खान, काजोल, अली हाजी, तब्बू, श्रुति सेठ, ऋषि कपूर, किरण खेर, शरद सक्सेना, गौतमी कपूर, जसपाल भाटी, सनाया ईरानी आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.1 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, यह मूवी को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। अगर दोस्तों आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। जी हाँ दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। फना मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है और यह मूवी आपको जरूर पसंद आने वाली है। आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, फना मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। साल 2006 में इस मूवी ने 130 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही है। तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफ़ी गजब की लगने वाली है और आप इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। नेत्रहीन कश्मीरी लड़की जूनी दोस्तों की सलाह के खिलाफ पर्यटक गाइड रेहान से प्यार करने लगती है। वह उसकी दृष्टि पाने में मदद करता है, लेकिन वह उसे देख सके इससे पहले आतंकवादी हमले में उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी शानदार है। आपको यह मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अमेजॉन प्राइम वीडियो के अलावा यह मूवी आप ज़रूर से ज़रूर टेलीविज़न के चैनल स्टार गोल्ड नेटवर्क पर हिंदी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। आमिर खान और काजोल की फना ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहली का कहना है कि ये फिल्म आज रिलीज होती तो 200 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेती। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की फिल्म फना साल 2006 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने काजोल के साथ काम किया था। उस साल की ये हिट फिल्म थी। इसकी कहानी और गाने काफ़ी चर्चा में रहे। काजोल और आमिर खान की एक्टिंग को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा। हाल ही में फना के डायरेक्टर कुणाल कोहली ने दावा किया कि अगर यह फिल्म आज के समय में रिलीज होती तो इसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता। साल 2006 में आमिर और काजोल की फिल्म फना ने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार किया था। हालांकि इसके बिजनेस पर इसलिए भी फर्क पड़ा क्योंकि गुजरात में इसे बैन कर दिया गया था। अगर उस राज्य में यह फिल्म रिलीज हुई होती तो इसका कलेक्शन 60 करोड़ से या फिर ज़्यादा का हो सकता था। कुणाल कोहली का कहना है कि अगर यह फिल्म 200 करोड़ के आसपास पूरा बिजनेस कर सकती थी। कुणाल कोहली ने आगे बताया कि उस समय सबसे महंगी टिकट सिर्फ 150 की हुआ करती थी, आजकल तो 1200 रुपये में भी टिकट कीमत शुरू होती है। फिर कहते हैं कि फिल्म 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। मेरा कहना है कि टिकट कीमत कम होनी चाहिए। अगर एक लड़का
अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी डेट पर ले जाना चाहता है तो उसे सोचना पड़ता है। आमिर खान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाल सिंह चड्ढा है जो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह पिट चुकी है। दोस्तों फना मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको हिंदी भाषा में देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ऑफिशियली ऐप पर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।